ईश्वर ना आता है ना ही जाता है, सब में ही समाया रहता है। दास नानक प्रभु की शरण में ही रहता है। राग भैरव महला पांच चौपदे घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्रीधर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ कर है अन सेवा, कवन भिक्षा रस माता रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अंबर उपाव सगल मैं देखे जो चित विए तित विग्रस काज। रहाऊ ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरह, मन मुख अंध अज्ञाना हर की भगत करह तिन निंद है, निगुरे पशु समाना जीव पिंड तन धन सब प्रभ का, साकत कहते मेरा एह बुध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा होम जग जप तप सब संजम, तट तीर्थ नहीं पाया मिटया आप पय शरणाई, गुरमुख नानक जगत तराया सुखदाता निरंकार परमात्मा, ब्रह्म ही सबको उत्पन्न करने वाला है, ऐसे प्रभु को छोड़कर विषय विकारों में मस्त जीव अन्य की ही सेवा करता है। हे मेरे मन तू ईश्वर का भजन सह कीर्तन कर, क्योंकि मैंने अन्य सब उपाय करके देख लिए हैं, अगर उनके बारे में सोचा जाए तो सब कार्य बिगड़ जाते हैं। रहाऊ अंधा अज्ञानी मन मुख मालिक को छोड़कर उसकी दासी माया को याद करता है, वह प्रभु की भक्ति करने वालों की निंदा करता रहता है। ऐसा निगुरा व्यक्ति पशु समान है, यह प्राण शरीर तन धन सब प्रभु का दिया हुआ है, मगर मायावी पुरुष इनको अपना बताता है। अहम से भरी हुई बुद्धि मलिन है, गुरु के बिना संसार सागर का चक्कर लगा रहता है। होम यज्ञ जप तप संयम एवं तट तीर्थ से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। नानक जी का फरमान है कि यदि अहम भावना को मिटाकर गुरु की शरण में आया जाए तो जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भैरव महला पांच बन मह पेख्यो तृण मह पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए दंड धार जट धारे पेख्यो, बर्त नेम तीर्थाए संत संग पेख्यो मन माए, उभ प्याल सर्व महपूरण रस मंगल गुण गाए। रहाउ जोग भेक सन्यासे पेख्यो, जत जंगम कपड़ाए तपी तपी सुर मुन मह पेख्यो, नट नाटिक निरतराए चह मह पेख्यो खट मह पेख्यो, दस अष्टी सिमृताए सब मिल एको एक वखाण है, तव किस ते कहू दुराए अगह अगह व्यंत स्वामी, नह कीम कीम किमाए जन नानक तिन के बल बल जाइए, जिह घट पर घट आए बनों में देखा तृण में ढूंढा, गृहस्थी एवं उदासीन में देखा दंडी जटाधारी योगियों, व्रत नियम एवं तीर्थों में उसे खोजा, मगर जब संतों का संग पाया तो उसे मन में ही देख लिया। आकाश पताल सब में पूर्ण रूप से व्याप्त ईश्वर के ही गुण गाए हैं। रहाउ योगियों वेशधारी सन्यासी ब्रह्मचारी दिगंबर कापड़िये के रूप में उसे ढूंढा, तपस्वी तपीश्वर मुनियों नाट्य नाटक नृत्य में उसको खोजा, चार वेदों छह शास्त्रों अठारह पुराणों में उसकी खोज पड़ताल की, सबने मिलकर केवल उस एक का ही बखान किया है, तब वह किस से दूर कहां जा सकता है। परमात्मा अगम में आपहुंच व्यंत है, उसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, जिसके दिल में ईश्वर प्रकट हो गया है नानक तो उस पर बलिहारी जाता है। भैरव महला पांच निकट बुझे सो बुरा क्यों करे,
बिख सच्चे नित डरता फिरे है निकटे अर भेद न पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़े नेड़े सब को कहे गुरमुख भेद निर्मला को लहे रहाऊ निकट न देखे पर ग्रह जाई दर्ब हीरे मिथ्या कर खाई पाई ठगौरी हर संग न जानिया बांझ गुरु है भर्म भुलानिया निकट न जाने बोले कूड़ माया मोह मूठा है मूड़ अंतर बसत विसंतर जाई बांझ गुरु है भर्म भुलाई जिस मस्तक कर्म लिख्या लिलाट सतगुर सेवे खुले कपाट अंतर बाहर निकटे सोई जन नानक आवे ना जावे कोई ईश्वर को समीप मानने वाला किसी का बुरा कैसे कर सकता है परंतु पापों का जहर इकट्ठा करने वाला नित्य डरता रहता है ईश्वर निकट ही है मगर इसका रहस्य प्राप्त नहीं होता वास्तव में सतगुरु के बिना सब लोग माया में मोहित रहते हैं हर साधारण व्यक्ति उसे निकट ही बताता है मगर कोई बिरला ही गुरु से इस रहस्य को प्राप्त करता है रहाऊ जो उसे निकट नहीं देखते वे प्राय घर ही जाते हैं वे धन दौलत छीन कर झूठा जीवन बिताते हैं वे माया में ठग कर ईश्वर को आस पास नहीं समझते और गुरु के बिना भर्म संशय में भूले रहते हैं जो प्रभु को पास नहीं मानता वह झूठ ही बोलता है दरअसल मूर्ख व्यक्ति माया के मोह में ठगा हुआ है सच्ची वस्तु तो अंतर मन में ही है मगर वह दूर दूर जाकर ढूंढता है गुरु बिना वह भर्म में भूला हुआ है जिसके भाग्य में लिखा होता है वही सतगुरु की सेवा करता है और उसके मन के कपाट खुल जाते हैं अंतर बाहर और समीप ईश्वर ही है हे नानक वह कहीं आता जाता नहीं भैरव महला पांच जिस तू राखे तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसारे कोट उपाव चितवत है प्राणी सो होवे जय करे चोंज बिडानी राख है राख कृपा धार तेरी शरण तेरे दरबार रहाऊ जिन सेव्या निर्भव सुख दाता तिन भव दूर किया एक प्राता जो तू कर है सोई फुण होई मारे ना राखे दूजा कोई किया तू सोचह मानस वाण अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एक को आधार सब किछ जाने सरजन हार जिस ऊपर नदर करे करतार तिस जन के सब काज सवार तिसका राखा एको सोई जन नानक अपड़ न साके कोई हे प्रभु जिसे तू बचाने वाला है उसे भला कौन मार सकता है समूचा संसार तेरे अधीन है प्राणी बेशक कितने ही उपाय सोचता रहता है मगर होता वही है जो परमात्मा करता है हे भगवान कृपा करके रक्षा करो हम तेरे दरबार में तेरी शरण आए हैं रहाऊ जिसने सुखदाता निर्भय प्रभु की उपासना की है उसका भय दूर हो गया है और उसने एक ब्रह्म परमात्मा जी को पहचान लिया है हे पार ब्रह्म जो तू करता है वही होता है तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा मारने अथवा बचाने वाला नहीं हे मनुष्य स्वभाव अनुसार तू क्या सोचता है अंतर्यामी प्रभु बड़ा समझदार है केवल वही हमारा आसरा है और एकमात्र वही सबका आधार है वह सृजनहार सब कुछ जानता है जिस पर ईश्वर मेहर करता है उसके सब कार्य संपन्न हो जाते हैं हे नानक उसकी रक्षा करने वाली केवल वही परम शक्ति है जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता।